जय श्री गोरख। शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। हमारा नाम है नगेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। मैं विशेष तौर पर आपको एक ऐसी मुद्रा का ज्ञान दे रहा हूँ जो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, ये मेरा हाथ है, अच्छे से देखिए। तो ये मेरा हाथ है, तो यहाँ पर मैंने बहुत सी चीज़ों को आपको बताया है। ये हमारा अग्नि का है, ये हमारा जल का है, ये हमारी पृथ्वी का है, पृथ्वी की उली है, ये हमारे आकाश की है और ये वायु की है। तो ये भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार से हैं। अग्नि अलग हो गई, जल इधर दे दिया, पृथ्वी यहाँ आ गया, आकाश ये है और ये वायु ये है। तो हम ऐसा क्या करें कि समसूत्र में ये आ जाएँ? ऐसी कौन सी मुद्रा करें जिस मुद्रा से ये हम इन तत्वों को, चक्रों को समसूत्र में ले आएँ? अभी क्या है, आगे पीछे हैं, पृथ्वी के बाद में जल है ना, जल है, फिर पृथ्वी है, फिर आकाश आ गया, फिर वायु आ गया, फिर अग्नि आ गया, है ना, इस तरीके से है हमारे हाथ में। तो हम ऐसी कौन सी मुद्रा करें जिससे ये जो है एक ही क्षेत्र में आ जाए, एक ही छोर पर आ जाएँ। जैसे पहले पृथ्वी आए, उसके बाद में फिर जल आए, फिर अग्नि आए, फिर वायु आए, उसके बाद आकाश आए। तो ऐसी कौन सी मुद्रा करें? तो देखिए, मुद्रा करने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये गुरु उली लीजिए, इसको पीछे कीजिएगा, ये कंष्टिका उली लीजिए, इसको पीछे कीजिएगा। तो ये जो पोर है, ये पृथ्वी की उली है, ये यहाँ जल आ गया, जल के बाद में यहाँ आया वायु, वायु के बाद में आया यहाँ आकाश। वैसे ही इस छोर को लीजिएगा, यहाँ जल को उधर पहुँचाइएगा और वायु को लेकर आइए इधर। ये देखिए, ये मुद्रा आप कीजिए। अब यहाँ रह गया था बीच में हमारा अग्नि, तो ये अग्नि को हम ये लेकर आएँ यहाँ। अब यहाँ आने के बाद में आप जब ये मुद्रा करेंगे तो इसको बीच में को देखना है। देखिए, ये कोई कल्पना नहीं है, कभी आप सोचें कि कल्पना है या मैं अपनी कल्पना के उद्देश्य से इस वीडियो को बना रहा हूँ। आपको बेनिफिट हो इसका, आपको नए नए अनुभव हों तो आप मेरी वीडियो को देखिए। अगर आपको अनुभव कोई ना हो तो मेरी वीडियो को मत देखिए। नए अनुभव आपको प्राप्त होंगे और नई नई चीज़ों का आपको पता लगेगा। ये देखिए, यहाँ पर ये मूलाधार चक्र पर विशेष असर इसका पड़ेगा और ये हमने इस मुद्रा को लगाने के बाद अपने पांचों तत्वों और पांचों चक्रों को प्लस पांचों प्राणों को एक करके एक ही संतुलन में बना लिया। अब ये एक हो गए, पहले क्या पृथ्वी और ये आकाश। पृथ्वी और आकाश के बीच के जो तीन तत्व होते हैं, जल अग्नि और वायु, वो तीन तत्व हमने यहाँ दे दिए। अब यहाँ देने के बाद में इस मुद्रा के साथ में हमारे पांचों तत्व एक ही संतुलन में आ गए। इस मुद्रा को ज़्यादा देर तक नहीं करना है, 5 से 10 मिनट इसको करना है। जब आप इस मुद्रा को लगातार करते रहेंगे तो आपका जो है ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है अग्नि का संचार होगा, इलेक्ट्रिसिटी का संचार होगा। मूलाधार चक्र की परम मुद्रा ये कही जाती है। मूलाधार चक्र के लिए बहुत ज़्यादा जागृत करने के लिए बहुत ज़्यादा अत्यंत आवश्यक मुद्रा ये है। साथ में इस मुद्रा के साथ में लाम बीज मंत्र का जप कर लेने से हमारा मूलाधार चक्र भी जागृत हो जाता है। हमें करना क्या होता है, हमें इस तरीके से बोलना होता है। देखिए, मेरे साथ मिलकर बोलिए, ओम लाम 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 लाम। डेली आपको 5 से 11 जप इसके करने हैं, इस मुद्रा को लगाने के उपरांत। इस मुद्रा को लगाने के उपरांत आपको 5 से 11 जप करनी है। मूलाधार चक्र पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। साथ में आप ये जो चौकोर वर्ग देख रहे हैं, इस वर्ग पे त्राटक करना है आपको। अब ये इसकी आगे की जो प्रोसेस होगी वो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। इतना आप कीजिए, ये आपके लिए बहुत है। इतनी मुद्रा कर लेने से आपका चक्र भेदन की क्रिया शरीर के अंदर होने लगेगी और आपका मूलाधार चक्र जागृत होने लगेगा। अपान वायु जो है उसमें संतुलन आपका बना रहेगा, अर्थात आपको अधिकार प्राप्त होगा अपान वायु में। साथ में दिव्य दर्शन आपको होंगे,
दिव्य ऊर्जा की प्राप्ति आपको होगी, आलस्य प्रमाद आपका खत्म होगा, शरीर के अंदर कहीं पे दर्द है, दर्द की शिकायत है तो वो खत्म हो जाएगी, हड्डियों के तमाम सारे रोग आपके खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे रोगों का निदान भी ये मुद्रा है। बस इस मुद्रा को कर लेने से ही आपका आधे शरीर के आपके रोग खत्म हो जाएंगे और ऊर्जा का महासंचार आपके मस्तिष्क में दौड़ने लगेगा। आप इस मुद्रा को लगातार कीजिएगा, लगातार आप 3 दिन अगर करते हैं इसको तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। देख लीजिएगा ये मुद्रा इस तरीके से होनी है और ये इस तरीके से ही लगाई जाती है, देख लीजिएगा। उल्टी तरफ से देख लो, उल्टी तरफ से देख लो, देखो इस तरीके से लगाना इस मुद्रा को, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, जय महाकाल।